सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों खूब तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो बिहार का है जिसमें एक लड़की नजर आ रही है। वीडियो में आप एक लड़की को देख सकते हैं जो मनुस्मृति को आग में झोंकती हुई दिख रही है और बाद में उसी किताब को उठाकर वो अपनी सिगरेट जला रही है। इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मानो भूचाल सा आ गया है। लोग वीडियो को देखकर तमाम तरह की अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, साथ ही शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग इस लड़की के समर्थन में हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भावनाओं का आहत करना और भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि लड़की ने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है क्योंकि उसने मनुस्मृति को जलाया है। क्योंकि इस वीडियो में एक चीज और दिख रही है कि चूल्हे में चिकन पक रहा है और वो चिकन मनुस्मृति की आग में बनाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आइए आपको इस वीडियो के बारे में बताता हूं और उसके बाद फिर बताऊंगा ये लड़की है कौन। दरअसल अगर आपको भी ये वीडियो देखेंगे, आपको मिला होगा, तो इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस वीडियो को पहले एक लड़की मनुस्मृति आग में जलाती हुई दिख रही है जिसमें ऊपर कढ़ाई में चिकन पक रहा है। लड़की उस किताब को उठाती है, मुंह में उसकी सिगरेट लगी हुई है और उसे फिर वो जलाती है और एक के बाद एक कस लेनी शुरू कर देती है। और इस लड़की का नाम प्रिया दास बताया जा रहा है। अब इस लड़की से एक एक्टिविस्ट नाम के एक चैनल ने इससे बात की है, जिस पर प्रिया ने बताया है कि मनुस्मृति को जलाना सिर्फ सांकेतिक है और ये तात्कालिक घटना है। इसकी नींव तो सालों पहले पड़ चुकी थी जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको जलाया था और ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि प्रिया दास ने ये कहा कि मेरा मकसद घटिया पाखंडवाद और ढोंग के विचारों पर वार करना है। प्रिया ने आगे ये भी कहा कि ये किताब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसका राइटर और इसका लेखन बिल्कुल भी सामाजिक समरसता के विपरीत है। किताब का मूल रूप होता है कि उससे शिक्षा मिले, उससे ज्ञान मिले, लेकिन मनुस्मृति में एक से दूसरे व्यक्ति को बांटने की बातें कही गई हैं। इस किताब का विरोध होना ही चाहिए, ये सब प्रिया का कहना है। प्रिया दास का कहना है कि वो इस किताब में लिखे हुए एक एक शब्द और उसकी स्मृति को मिटाना चाहती है क्योंकि उसकी अवधारणा बेहद गलत है। आपको बता दें कि मनुस्मृति से इस सिगरेट के जलाने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो के आने के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। दरअसल इस लड़की के बारे में अगर बात करें तो इसने खुद बताया है कि वो एक टीचर की बनने की प्रक्रिया में है और वो ट्रेनिंग कर रही है, यानी टीचर्स की ट्रेनिंग ले रही है। साथ ही ये पॉलिटिकल रूप से एक्टिव भी है। वहीं दलित समाज के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। वहीं दलित समाज से ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बातें अब इससे आगे निकल चुकी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है जिसकी वजह से दलित आगे निकल चुके हैं और इसके साथ ही मनुस्मृति की आज की डेट में कोई अवधारणा कुछ सीमित लोगों तक ही रह गई है जो इसे मानते हैं, अन्यथा समाज से मनुस्मृति की जो लिखी हुई चीजें हैं वो मिट चुकी हैं। वीडियो में चिकन बनाती हुई प्रिया दास ने यह भी कहा है कि मनुस्मृति स्त्री और पुरुष में भेद करती है, इससे पुरुष को भगवान और स्त्री को भोग्या बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो के वायरल होने के बाद बिहार पुलिस भी एक्टिव हो गई है। कुछ ट्विटर्स ने बिहार पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि ये वीडियो सामाजिक समरसता के खिलाफ है और समाज में द्वेष फैला रहा है, ऐसे में कार्रवाई करनी चाहिए, जिस पर बिहार पुलिस ने रिप्लाई देते हुए लिखा है और साथ ही लोगों से ये मांगा है कि इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी दी जाए ताकि हम इसे आगे इस पर कार्रवाई कर सकें और इसकी जांच कर सकें। वहीं दूसरी तरफ यूजर्स के भी अलग अलग कमेंट और अलग अलग राय सामने आ रही है। आपको बता दें कि मनुस्मृति को लेकर कुछ दिन पहले यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी तमाम बातें कही थी और उन्होंने इसका विरोध करते हुए इस किताब को खत्म करने की बात तक कह दी थी। साथ ही रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर भी सवाल उठाए थे। वहीं दूसरी तरफ अब ये नया मामला बिहार से आया है जो कि अब चर्चित हो रही है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मनुस्मृति से चिकन पकाकर और उससे सिगरेट जलाकर एक टीचर बनने वाली लड़की कैसे समाज को संदेश दे रही है, ये अपने आप में सवाल है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया इसके विपरीत तमाम बातें कह रही है।
लेकिन वीडियो है तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब देखना है पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और प्रिया सिन्हा का क्या होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।